बहुत ही मज़ेदार बैंड है ये, पांच कहानियों का बैंड है और जैसे कि नाम से ही एकदम जाहिर हो रहा है छलावा, यानी कि छल कपट धोखे रिश्तों में आपसी मत ना मन मुताब किस परिस्थितियों को जन्म देता है और अलग अलग सिचुएशन इंसान से क्या करा लेती है, इंसान को कैसे बदल देती है, वाइट को ब्लैक, ब्लैक को ग्रे, ग्रे को वाइट या ब्लैक कैसे कर देती है, ये उसकी कहानियाँ हैं। अलग अलग पांच बहुत ही मज़ेदार और ऐसा नहीं कि खिंचती जाएंगी, शॉर्ट एंड क्विक, बिल्कुल आज की जो ऑडियंस है हमारी जो अटेंशन स्पैन बहुत कम है, जल्दी में एंटरटेनमेंट चाहिए, छोटे में फटाफट कहानी स्टार्ट टू फिनिश होनी चाहिए, वही आज की डिमांड है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लेकर आए हैं तेरा छलावा। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं कहानी में, तो आई होप कि जितना बनाने में हमको मज़ा आया, रियल जोन था, रियल स्पेस था, आप लोगों को भी देखने में मज़ा आया। Well, तेरा छलावा जैसे नाम से पता है, it's all about betrayal, love and murder mystery. आप देखेंगे तो इसमें ये बेसिकली ये है कि इंसान प्यार में किस हद तक चला जाता है कि वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, इतना ऑब्सेसिव हो जाता है अपने पार्टनर के लिए या अपने उस चीज़ के लिए जिससे वो लगाव रखता है या प्यार करता है, तो जब कोई ऐसी चीज़ उसके साथ होती है कि वो उस प्यार में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे उस चीज़ से यू नो डील करता है, उसके दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस है उसका, किस हद तक जा सकता है, इट्स ऑल अबाउट क्या है तेरा छलावा। अरे ज़मीन आसमान का फर्क है टीवी में, डेली सोप में और वेब पे काम करने में, वेब के कंटेंट में हर चीज़ में फ़र्क है। क्वांटिटी एक तो टेलीविजन की इतनी ज़्यादा है कि क्वालिटी सफ़र करती है, फिर आप एक ही किरदार में बनकर वही चीज़ सालों साल करते जा रहे हो, आपकी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, आप ग्रो नहीं करते, आप सीखते नहीं हो, मुझे नहीं लगता टीवी पे आपको एक पॉइंट के बाद ना आप लाइट लेना सीख जाते हो, आप अच्छे दिखना सीख जाते हो, डिज़ाइनर कपड़े पहनना सीख जाते हो, लेकिन कैरेक्टर बनना वो आपको एक ऐसा मीडियम ही सिखा सकता है जहाँ आपको वक्त दिया जाए, जहाँ क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जहाँ किरदार जो है ना वो रियल किरदारों से जुड़े हुए हों, एज इन मिलते जुलते हैं। टेलीविजन पे हमें बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ, थोड़े बहुत ज़्यादा ही बनावटी है ना, और अब तो खैर बिल्कुल ही स्पेस है ऑफ स्नेक्स एंड स्पाइडर्स, तो सो दिस स्पेस वेब स्पेस इज़ वेरी गुड, बहुत मेकर्स के लिए, क्रिएटिव्स के लिए, एक्टर्स के लिए, हर किसी के लिए ये बहुत ही अच्छा दौर है। तेरा छलावा कहानी है दो दोस्तों की जो बचपन से एक दूसरे को जानते थे और मैं प्ले कर रही हूँ अंजलि जो भोपाल से है और आभास का कैरेक्टर भोपाल आया हुआ है फॉर सम पर्सनल रीज़न और ऑल्सो उसका यू नो एक राइटर है जिसका एक यू नो राइटर्स ब्लॉक चल रहा है, तो वो एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है और मैं उसके बचपन की दोस्त हूँ जो हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा उसकी हेल्प करती है इन यू नो पर्सनली ऑल्सो प्रोफेशनली ऑल्सो एंड मैं उसको प्यार करती हूँ लेकिन ये मुझे प्यार नहीं करता, तो मैं कई सालों से वेट कर रही हूँ कि यू नो अब मान जाएगा लेकिन फिर कहीं से मुझे एक आइडिया आता है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो किस तरह मैं अपनी उंगली टेढ़ी करती हूँ और इसकी लाइफ में जो इसके जो सीक्रेट्स हैं जो यू नो डार्क पोर्शन है इसकी लाइफ का कैसे उसको उसी के अगेंस्ट यूज़ करती हूँ और फिर क्या होता है कहानी में, दैट्स व्हाट छलावा इज़ ऑल अबाउट। इन्होंने तो बोल दिया है, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इस कहानी की जो एंडिंग है जो क्लाइमैक्स है वो कभी किसी ने ऐसा क्लाइमैक्स नहीं देखा होगा। यार साड़ी तो सब भारतीय नारियाँ पहनती हैं और मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगता था बचपन से, मैं मम्मी को जब मेरी माँ साड़ी बांधती थी मैं हमेशा सोचती थी मैं कब बड़ी होगी, फिर मैं जब बड़ी हुई तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक इमेज ब्रांडिंग में ही ब्रैकेट में वो कर दिया कि ये तो डॉन लगती है, ये तो पुलिस वाली लगती है, ये तो विलन लगती है। आई फील जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है वैसे आपको रोल्स मिलते हैं और FIR की वजह से बहुत ज़्यादा आई फील पैंट्स एंड यूनिफॉर्म एंड कैट सूट है ना वो मेरा लुक बन गया, विच आई लव, विच इज़ ग्रेट,
But of course, I think the most beautiful garment in this world is sari. And ये जो character मैं play कर रही हूँ गौरी का, ये बहुत ही classy, बहुत ही graceful, गंभीर, मेरे से बिल्कुल भी विपरीत ये character है. I think उसी में मजा आता है ना actor को. मुझे तो उसी में मजा आता है कि जो मैं नहीं हूँ वो मैं करूँ, audience को मैं वो दिखाऊँ. उसमें मजा आता है सीखने को तुम्हारे. मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद हैरान हूँ. क्या बताऊँ मैं, मुझे तो खैर मेरी आवाज़ ऐसी लगती नहीं है कि इतने पब्लिक के सामने जो है गा दिया जाए. लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको मेरी आवाज़ में एक अलगपन नज़र आया, एक खनक उनको. और उनको ये हमेशा मुझसे कहते हैं जब भी मैं गाती भी हूँ, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड हैं तो हम बहुत मिलते भी हैं. तो जैसे गाड़ी ड्राइव वगैरह पे भी जाते हैं जब हम गोवा, तो हम उनकी वाइफ, मेरे हस्बैंड, हम चारों जब घूमते हैं तो वो मेरे को कहते हैं गाना सुना दे, गाना सुना दे. और मैं गाती हूँ तो हमेशा कहते हैं मेरी आवाज़ अलग है, मेरी आवाज़ बिल्कुल अलग है. और एक बात है, इंटेंसिटी है तेरी आवाज़ में, मुझे लगता है मजाक कर रही है. मुझे पता था गवा देंगे मेरे से सही. अलग ही ग्रंथ है अपने आप में, अगर आप कहो तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना. बट OTT आजकल इतना रियल स्टेट कंटेंट है और इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए बेसिकली, कि आपको बार बार शूट नहीं करना पड़ता. एंड इट्स सो रियल स्टेट, आप कुछ भी ओवर द यू नो द कैरेक्टर नहीं करना, आप हमारे बड़े रियल स्टेट होते हो. तो यार एक ये चीज़ है OTT की, चाहे आप स्टोरी में कुछ छल नज़र आएगी. और मेरी स्टोरी का नाम है कश्मकश, जिसमें मैं जीनत नाम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल लड़की है. पर एट द सेम टाइम कहते हैं ना, अगर किसी को अननेसेसरली खुश करो या अननेसेसरली आप उसको छेड़ने की कोशिश करो तो वो किसी भी एक्सट्रीम लिमिट तक जा सकती है. तो दैट इज़ माई कैरेक्टर. एंड बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है. सो या दैट्स व्हाट इट इज़. देखिए मैं एक मेरे से प्रोजेक्ट जो मांगता है कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है ये करो, मैं वो कर देती हूँ. एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे ये लगता है कि मेरी ड्यूटी है कि जैसा मेरे से कह रहे हैं करने को, मुझे वो करना चाहिए. क्योंकि मुझे उस काम के लिए बुलाया गया है, उस काम के मेरे को पैसे दिए जा रहे हैं. मेरी ऐसी है थोड़ी ओल्ड स्कूल थिंकिंग है. तो जैसा मेरे से टीम, प्रोजेक्ट, डायरेक्टर करवाना चाहते हैं, मैं आई नेवर से नो. वो कहते हैं गाओ, मैं गा दूंगी. वो कहेंगे कि बिल्कुल गब्बर की तरह हम कांच फोड़ देंगे, कांच पे नाच, मैं वो भी कर दूंगी. क्योंकि आई चोज टू डू इट. जो चीज़ में मेरे को मज़ा नहीं आता या जो चीज़ मैं पसंद नहीं करती वो चीज़ मैं छोड़ दूँगी. मैं उसमें टाइम भी ज़ाया नहीं करती. लेकिन हाँ, जिस चीज़ में आनंद आ रहा हो, फिर चाहे उसमें मेरे को पहाड़ चढ़ना हो, मैं सब करूँ. जब भी मेरे पास कोई स्टोरी आती है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कितना रिलेटेबल है, कितना रियल स्पेस है. कि अभी वो टाइम चला गया है जब आप कुछ भी ऑडियंस को दिखाते हैं और ऑडियंस उसको पसंद कर ली. राइट. सो नाउ एवरीथिंग हैज टू बी रिलेटेबल. पीपल, जो ऑडियंस है वो आपकी स्टोरी के साथ, आपके कैरेक्टर के साथ जितना रिलेट करेगा उतना ही लोगों तक पहुंचेगी और उतना ही लोग उसे पसंद करेंगे. सो या रियलिटी बेस्ड होना चाहिए. मेरे अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी मैंने किया, मोस्टली ऑल आर वेरी रियल स्पेस, रियल यू नो कॉन्टेंट. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. दूसरों कितने सरप्राइजेस हैं यू नो एक कैरेक्टर में आपने, और दूसरा कि जो मैंने पहले कभी किया है और ये कैरेक्टर उससे कितना डिफरेंट है. तो ये सब चीज़ें मुझे इम्प्रेस करती है और मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट को पसंद करना करना पसंद करता हूँ. वीडियो में तो कंटेंट का अच्छा करने का बहुत जरूर, मैं बहुत जल्द वापस स्टेज पर आने वाला हूँ. और जैसे ही होता है आप लोगों को क्या पता चली जाए. जब कबीर ने मुझे अप्रोच किया था, उसने मेरे को दो स्टोरीज के साथ अप्रोच किया था, ऑफ छलावा, और मैंने दोनों पढ़ी और दोनों बहुत कमाल की थी. एंड ही वाज गोइंग टू डायरेक्ट बोथ ऑफ देम. दूसरी कौन सी? अब वो नाम नहीं लेंगे ना. अच्छा, ही इज डायरेक्टेड बोथ ऑफ देम. देन आई एंड तो जब मैंने जलपरी की कहानी सुनी, जो हमारी कहानी है, तो मुझे लगा कि यार ये एक कैरेक्टर है जो मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया है. तुम्हें पता था वो कहानी में मैं हूं? नहीं, वरना होता हूं मैं ही वैसे चूज किया.